नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राजी खुशी होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ पौड़ी सतपुली हाईवे मोटर मार्ग पे और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कच्चा सा रास्ता यहाँ से कट जाता है जो कि जाता है एकेश्वर ब्लॉक के खूबसूरत से गाँव पाखरी में। तो आज का जो दौरा है, आज का जो ब्लॉग बनने वाला है, वो विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग होने वाला है। और जो विलेज है उसका नाम, यानी जो गाँव है उसका नाम है पाखरी, जो कि मेरी भाभी का मायका है, यानी मेरा भी ससुराल हुआ एक प्रकार से। तो आइए यहाँ चलते हैं और देखते हैं इस गांव में किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरह की यहाँ क्लाइमेट है। तो चलिए चलते हैं। दिक्कत पैदल गाड़ी हमा तो मैं उधर गाड़ी भगिन चुन दगा। तो दोस्तों, अभी हम पाखरी के लिए निकल ही रहे हैं। रोड देखिए आप, रोड की हालत कुछ इस प्रकार है और अभी आधे में तक ही पहुंचे हैं और रास्ता भी ऐसी उबड़ खाबड़ सा है। पहाड़ों का जो ब्रांच रोड होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ ये जो बबले घास या डरले घास बोल देने कौन, यानी ये जो घास होता है इसको बोलते हैं बबले घास, डरले घास, जो कि मतलब असूज कार्तिक के महीने में काटा जाता है और इसको गाय बड़े चाव से खाती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी छाया दिखाई दी तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि जो रास्ता है वो भी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा था, तो थोड़ा छिल के यहाँ पर फिर निकलते हैं अब गाँव की ओर, पाखरी की ओर। तो रोड अब जो इस गाँव के लिए गई है, यहाँ पर है पार्किंग और ऊपर एक गाड़ी दिख रही होगी वो भी पार्क पे है, तो इससे आगे रोड गई नहीं है इस गांव के लिए। और संदीप भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका? खतरनाक है, रिस्की राइडर मतलब। सही बात, सही बात। तो ये जो खेत है यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और अब गाँव है इधर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। जो प्रकृति का जो नजारा है इस गांव की तरफ लोकेशन में, तो कुछ इस प्रकार है। तो लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो चलिए गांव की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, गांव की ओर चलते चलते मुझे एक चीज़ पड़ी, एक नज़र पड़ी कि ये बहुत ही अच्छा ये काम, सराहनीय काम है जिसने भी किया है। तो ये जालीदार तार बाड़ है जो कि लगभग आधे गाँव को कवर कर रही है। देखिए कुछ इस प्रकार से गाँव का कुछ हिस्सा इधर की तरफ भी फैला हुआ है। अभी रास्ता ही चल रहा हूँ, गांव के लगभग नज़दीक पहुँच ही गया हूँ। तो चलते चलते मुझे एक खूबसूरत सा जीव यहाँ पे मिला है जिसे बोलते हैं हम खच्चर। ले, तो वैसे तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए तो ये दुलत्ती भी मार लेते हैं। तो इस खच्चर को देख के मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो सामान अधिकतर आता है वो खच्चरों से ही आता है लगभग। वैसे गाड़ियाँ भी आती है जो आप मेरे को पार्किंग दिखाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो खच्चरों का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है घर गाँव में। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस गांव में मिली है दीदी। दीदी प्रणाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष देवी जी। अब माई का कक्षा पर घंडियाल कहाँ से? मतलब गांव को जो बगानी खाल, बगानी खाल में जो। चलो बढ़िया। तो तुम मिलान पे लगाना चाहिए थे क्यों साग सोगड़ी की बुती है हम तुम्हारे? अच्छा, आलू वगैरह है? अच्छा, सुंगर वगैरह तो नहीं आ जाए जानवर छी मतलब? तो इस गांव में जानवर की भी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन फिर भी देखिए किस प्रकार से लोग खेती बाड़ी मतलब मेहनत करते ही रहते हैं। और अभी यहाँ पे दीदी जो आई हैं वो यहाँ पे पौधों को पानी देने के लिए उन्होंने आलू लगाए हैं यहाँ पे। तो अब मैं आ चुका हूँ इस गांव में ऐसी जगह कि जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ से पलायन करके गए हैं, जिन्होंने बहुत सारी मतलब समस्याएँ रखी हैं कि शिक्षा को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, कि यहाँ पर कुछ नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि आज भी लोग किस तरह से एक पशुपालन को अपना रोजगार बना के उससे लाखों रुपए कमाते हैं और मुनाफा कमाते हैं और अपना जीवन को पहाड़ों के लिए समर्पित करते हैं। तो कुछ बकरियां इधर की तरफ हैं और कुछ बकरे ये हैं, और बाकी जैसे घर गांव में तांद बना के रखते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे पशुपालन यहाँ पे किया जा रहा है बकरियों का काफ़ी ज़्यादा संख्या में। साथ ही साथ यहाँ पे गौ माता की सेवा भी की जा रही है, यानी गाय भी इन्होंने रखी हुई है। तो ये जो बकरियां आपको दिख रही होंगी, तो ये सारी मेहनत का श्रेय जाता है इन भाई को। भाई नमस्ते। नमस्ते।
नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, गांव आपका इक्कीवाल। तो शिक्षक दीक्षा अपन के विद्यालय बैठे कार्ड है राजकीय मैटाकुंड बैठे ना। तो आपका की बहर रहना चाहे पहले की दिल्ली। तो दिल्ली में अपन कितो साल व्यर्थ करें, मतलब मेरे हिसाब से 14 साल अपन कार। तो 14 साल जब अपन कार आप हमारा कितना पैसा छावे वे टाइम पर बैलेंस जो बोल दिन कुछ नहीं बचन था भाई, खा पे एक फैमिली तक रह रहे कुछ नहीं बचन था। अच्छा, तो शायद इतने कितना साल होगी ना आपको यहाँ? 8 साल हुई। 8 साल हुई। तो ये रोजगार तक करते करते आप तक कतो साल हुई? 5 साल। तो बेनिफिट भाई जो कुछ? हाँ। और सरकारी तरफ बटे मदद छह जो कुछ? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, चलो बढ़िया। तो कितना? पालन विभाग बहुत सहायता करता है। अच्छा, पशुपालन विभाग आपको मतलब पूरी मदद करता है? चलो बहुत। सबको जो जो मतलब करना चाहे कर रहे हैं। हाँ, किले की आजकल की कहना चाहिए कि लोन ले देना चाहिए, मुर्गी बाड़ा खोनो, बकरी बाड़ा खोनो, और है का बकुर दिखा दे वो, है ना। तो ये चीज है, मतलब आपने नहीं की नहीं। आपने इसको यहाँ पे पूरा आप मेहनत देख सकते हैं भाई की, धरातल पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक गाय ये है। हाँ जी, दो नीचे। तो कितना जीवन बकरा चाहिए? 32 से ना 60 था। अच्छा, तो उससे मतलब वो मुनाफा रहा होगा आपका? तो बढ़िया है। तो जितने भी लोग मतलब ये सोचते हैं कि गढ़वाल में कुछ नहीं है या बकरी पालन एक छोटा सा रोजगार है, ये गलत है। अगर इसी मतलब इतने ही बकरियों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साल में, भाई जी इन बताओ कि साल में बकर कितना बार बियान, मतलब बच्चा कितना? दो बार। तो साल में एक बकरी 2 बार बच्चे देती है, तो यानी आप साल भर में डबल ट्रिपल मुनाफा आप उसे मान के चलेंगे ना। हाँ, जो डोट होते हैं, जो बकरियां डोट होती है यानी उनके 2 बच्चे से ज्यादा होते हैं, तो उसका अलग कुछ पैटर्न होता है ना। तो भाई जी आप जज्बत सलाम। और कुछ बोलो चले नए, मतलब जो बेरोजगार छिंजन हम लोग बेरोजगार घूमना अपना सहायता पूरी है मतलब है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आप। तो भाई जी जे जिनको मैंने दिखाया था कि पशुपालन करते हैं, तो ये दो प्यारे प्यारे जो डॉग्स हैं ये इन्हीं के हैं। एक और है वो कहीं बाहर जा रखा घूमने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये 2 हैं जो कि भोटिया जनजाति के जो डॉग ब्रीड होती है वो, ये वाला है और ये वाला भी लगभग सेम ही है दोनों। तो भाई साहब ये क्या क्या करते हैं मतलब? अच्छा, तो जब जंगलों में बकरियां चुगने को जाती है तो ये तीनों कुत्ते मतलब यहाँ पे बकरियां चुगा के अपना काम करके फिनिश करके फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सेक रहे हैं धूप। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। अब माई का कक्षा पर? सनू पिपल। कना तरफ आयो ब्लॉक? अच्छा, पौड़ी जना, पौड़ी से अग्नि। चलो बढ़िया। तो और सब गा तो क्यों उड़ता? बस कुछ नहीं, मुझे सब रोपा रोपा बनना चाहिए। हाँ, और लासन लगनी चाहिए। और लगना चाहिए। चलो तो अब मैं तो तरफ जान छोगा भी। हाँ, जान छो। कब गयो लास्ट बार? अभी लास्ट बार मेरे गांव आने भैया 1 साल लगो ना? 6 महीने में। अरे 6 महीने में बे अबू मगे हैं रहा लगो? पूजे भा पूजे। अच्छा पूजे। चलो बढ़िया। और सुनाओ तब नई ताजी कुछ? नहीं ताजी कुछ। गांव में कनकंच रोड का समस्या छे या क्या छे? कोई दिक्कत रोड समस्या थे छाई छ? हां जगम बट आने सकना छ वहां? रोड भी टेढ़ा टाड़ी हुई छ। और मार्केट कितना दूर छ? आप नजदीक छे कि दूर छ? मार्केट भी दूर ही छे। अच्छा, किना तरफ जंदो? पाइट सेंड के? पाइट सेंड जानो, सतपुली जानो। अच्छा सतपुली, तो मतलब नजदीक को पड़ दो आप पाइट सेंड के सतपुली? नजदीक तो पाइट सेंड पड़ो। अच्छा, तो मतलब अधिकतर मतलब पाइट सेंड जे? हां। चलो बाजार तो दिया जाना ना? ना ना, बाजार तो इंच के जना काम आओ ना तो जाने पड़ ना। अब अपन मतलब जन बैंक का काम जो का हुंदा पर बैंक का काम पे पास है ना? अच्छा चलो। हां, मेरा नाम राजी देवी। राजी देवी जी, मैं कक्षा अच्छा पा उपा भजन पाबो, मतलब गांव तो वाल पाबो में कोई बिसल्ड बिसल्ड का शॉप। ओ चलो, एक दगड़ छे मेरे बिसल्ड का। और तब की होनो गाड तुम? कुछ नहीं, अकेले छो? हां, अकेले ना ऊंधर नहीं सब? अच्छा, तो गांव खाली भी गया लगभग किले भाई? लोग सोचे पैसा है या लोग मोटर है? पैसा तो बंडल का बंडल है। चलो, और बाकी सब स्वास्थ्य पानी ठीक ठाक? ठीक। चलो, और गोर बकरा था क्या ची? कुछ ना गोर बकरा अब नहीं बरसात। अच्छा, पैर खूब का रोल? भैंसा भी पाल का भी? अच्छा भैंसा ना, घोड़े घोड़े दिखे? बकरा 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 घोड़े घोड़ा? कितना घोड़े रखे जा पहले?
तीन और अब तो कुछ भी नहीं, अब एक भी नहीं है। चलो बैठा रहा तो वो सामने की धार में जो आपको गांव दिख रहा होगा वो खूबसूरत सा गांव है डोबल गांव। नमस्कार बोला। सबसे पहले आपका नाम? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। माई का? बिलखेत। बिलखेत। बिलखेत के मो मतलब हम आप के नजदीक आओ। बिलखेत मेरा पापा नाम अमर सिंह। अच्छा चलो बढ़िया। और तो आज ये क्या है? ससुराल से? जग ससुराल से। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छी जगह अच्छी है ना? हाँ ठीक है। गढ़वा तो और क्योंकि हूं तब घर का कुछ नहीं। उन्होंने बोला खेत पास बांध पड़ी था, अब पहले से जो सब हम ही पर खेती बाड़ी करा छाई और ही तो सटी। अच्छा जब तुम छोटा छाए थे पर ब्याह नहीं हुई छाई तो तुमने कभी कहीं गया जो शहर और लगाना? हमारे बहुत काम करे, बोला बहुत मेहनत करी, अभी तो नहीं करना। की जगह? यह पाखरी। पाखरी मतलब ब्याह से पहले? बात ब्याह से पहले भी, ब्याह से पहले भी मर खेती करी था और ब्याह के बाद भी मर बहुत खेती करी। तो बिल्कुल तो मुंछे जाओ पर खेती बहुत खेती उन चावा का ना सेनो। हाँ ना सेनो और सी लग से यार सब मर करी रहन चाहे। सब करी रहन चाहे? सब करी रहन चाहे। पहल मतलब लोग खेती पर निर्भर था? खेती कुछ नहीं खान सा लोग मोहल्ले का पर सब धान मर सभी खेती का सिर्फ लून डालना चाहे लोग को बाकी लयन भी तेल भी अपनी लयन भी तेल अपना भी नहीं लेता बाकी आप बांझ पड़ी से लोग पुराना बानू तो जाना चाहिए। पहले पढ़े लोगों कर्नल जनरल बनाया छे घर मास्टर बनाया छे बड़ा बड़ा बनाया छे अधिकारी और अब लोग जाना तो कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। जब लोग पैसा खर्च करना चाहिए ना बच्चों को बिगड़ना चाहिए ना। पहले जो मास्टर बेत रहन चाहे ना बहुत लेख बंद रहन चाहे और अब तो लोग पुराना दिन पैसा हो तो कागज लोड़ो पढ़े नहीं करना चाहिए पैसा खर्च करी भी। पहले टाइम पर हमारे लून रोटी खाना चाहे बच्चा चरण पिंजा जामी भाई गरीबी सदा नहीं रहन चाहिए पैसा तब लोगों पर खेती करी खान जा सब धार कुछ नहीं दिल्ली जाना चाहे ना। देखिए अब बच्चों को पढ़ी भी कुछ नहीं चाहे अगर जय कोर्स कर लो तो वहाँ लग भी जानो कहीं मेरे साड़ी फिर गड़ गया बाकी तो जयराम जी के पढ़े लिखे कोई वैल्यू भी नहीं चाहे। आज देखा पैसा चाहे लोगों माँ के तो जो हम पैसा वाला तो कोर्स भी कर सकते बच्चों ने दो तीन लाख तो आज जो गरीब तो उनका बड़े कहना लड़ो पढ़िया लिखे आज बी एड करो नौकरी नहीं तो चकना ही घर में बैठे आज बेरोजगार अब बच्चा इन बना चाहिए मैं पढ़िया लिखा चाहे छोटे नौकरी भी नहीं कर सरकार नौकरी भी नहीं चाहे नहीं चीन जो ज्यादा पढ़े लिखे रहे हैं वे भी रहन दिमाग में कि मैं ये काम नहीं करना छोटा काम नहीं करना मन तो छोटा काम करी पहले छोटी एक सीट गुण जाए दूसरी सीट तीसरी सीट चौथी सीट ना पर बच्चा नहीं करना चाहिए काम के हम बड़े पढ़े लिखे जब बड़े वो करे जब बड़ी नौकरी मिलन सरकार नौकरी छे भी नहीं चाहिए आजकल का सीन। अब जमाने तो जो पैसा होगा वाला उधर लग भी जाए ना और बाकी आम बच्चा तो सीनी चाहिए फिर ना कद का बच्चों सुसाइड भी कर दी कि नौकरी नहीं चाहिए बोला एक से नौ सतपुर नौ गांव में एक लड़का भर्ती नहीं भाई लास्ट साल था वह सुसाइड कर दिया कि मैंने भर्ती नहीं हुआ इन इन जमा नहीं आज का लगाना से लोगों को वन का स्वरोजगार भी कैट सकता दिन इन बात नहीं मतलब ना पर लो बच्चा मतलब वही चीज से दिख दनी से इनकी स्वरोजगार तौर पर ना अब बिजनेस भी करना चाहिए तो वो तभी लड़की नहीं देना चाहिए जाए कभी गाड़ी हुए ना वो तभी लड़की नहीं देना चाहिए बड़े मुश्किल हुई तो लड़कियों पैदाश कम हो गया ना तब बहुत मुश्किल हुई यार चीज 40 साल को इन बच्चा हर एक बीच में बटे हर एक जगह बटेगी पर लड़की बिल्कुल नहीं मिली चाहिए लड़की बनी चाहिए दिल्ली मकान सरकार नौकरी तो कग बड़े करण आराम लोगों के हाल वाला इन इन मुश्किल लगी जय सरकार नहीं बोलते इन कागजान से नितरा ना घर से सुधी हेल्थ भी नहीं सके जो को हेल्थ का कन लोग पर कर जाए रोजगार गारंटी आती एक साल मान छह महीना मान तो कब तक रह साल लगे काम काज कुछ घर में छह नीचे लोग और बिजनेस करना तो तभी लौड़ नहीं मिली छे ना है ये तो बहुत दिक्कत हो गया बहुत अग्नि तो पीढ़ी बहुत टप चप ये तो हमने देखा ना जेल 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 आगने पिछले हमने तो हम तभी होएगी कम से कम 40-50 साल और हमने पहले लोगों के अच्छी विचार छाया एक दूसरे तक ठाड़ा गीत खिला चाहे चौंपली खिला चाहे मिलन सार लोग रहना चाहे और अब चुकुल को लोग यहाँ छे काम काज छे नहीं चाहे सड़कों पर भगना छे पागलों जन ना अब खेती बाड़ी हुई तो को भगोदी बार तक ई बार तो लोग बाहर गए तो गणू रहन चाहिए मतलब ये तो टाइम नहीं मिलना चाहिए छुई लगा तो टाइम नहीं मिलना चाहिए सटी न्यू कटू रहन चाहिए बारी है या सुजग में ना चूड़ा बुखांदा चाहे हम कौन याल खांदा चाहिए कतो क्वाद जोंगर हुन चाहे सोटा हुना चाहिए उड़ दूध दाल सब हुना चाहिए ना पण अब जमान का छ अतः ब्लाड़ा छ मुआला का
गए थे आधा किलो है तो ऊपर सौ सवाद भी नहीं पहले गोट रह जाए तो मोल रह जाए ना जो खाद वो जान सा जड़ी बूटियों पर गए तो पर दालों पर सट्टियों पर है ना गेहूं पर तो वहां तक खाकर खाद गाय कर जड़ी बूटी खादी तो वहां खादी ना बढ़िया होन सा गोबर और अब जिन लोग खाद होना तो आदमी तो 60 साल से उपजीणू भी नहीं च गोबर कुछ है तो लोग 100 साल 110 साल 105 साल जीना चाहे इसलिए वो में गोबर रह चाहे जड़ी बूटियों खयू तो वहाँ खाद चाहम तो हमारे अंग अंग ठीक रहन चाहे और सू हमारे पुटुक जो कीड़ा कूड़ा थे भी ठीक रहना चाहे और आप छो खाद ही खाना था जीना भी नहीं जल्दी जल्दी मोड़ जाना चाहिए नहीं बोला। तो यहाँ पे मैं आपको एक पुरानी सी चीज़ दिखाऊंगा जो कि पुराने घरों में मिलेगी आजकल जो आप सीमेंटेड हो चुके हैं वो उसमें नहीं दिखाई देगी तो इसको बोलते हैं जलेठा और ये जो मधुमक्खियाँ हैं जिसे हनी भी हम बोलते हैं इंग्लिश में तो वो ये हैं और इसके अंदर एक चौखट सा एक स्पेस होता है उसके अंदर ये अपना छत्ता बनाते हैं और शहद जमा करते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता था इसको पहले के ज़माने में कि ऐसे वाले मकानों में पुराने वाले मकानों में इस तरह से दिख जाएंगे। तो आज इस गांव में आया मैं तो बहुत टाइम बाद मुझे ये जलेठा देखने को मिला। तो यहाँ पे मिली है ताई जी जो कि घर गांव में आजकल लग रही है लहसुन देखो ये कहा लगा नहीं बोले लहसुन जरा बताओ दे हमते कहा न अरे हमते तो आज नहीं अच्छा ये अच्छा फली को ऊपर रखना है मतलब तो यहाँ पे एक पौधा दिखाई दे रहा है ये वाला तो इसको बोलते हैं भंगजीर और इसकी बनती है चटनी कुछ इसके फलियों की भी चटनी बनती है और इसके पत्ते की भी जो कि बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। तो यान बताओ सबसे पहले आपका नाम क्या है और गांव को चाहो गांव पाकर मैं तो मतलब मैं तो मंजिया को मंज गांव ये ना कुड़गांव मंजिया अच्छा कुड़गांव मंज गांव अच्छा हम गए ना पढ़ सो गए मंजगांव ना वो सेकंड के रोड पर अच्छा आई एक्सुस रास्ते चलो बढ़िया। तो आजकल की लगाना छो घर तो बस के लगाना से घास कटनो चा आलू लगे ने लहसुन लगाना छो बस तो घास तो तुम्हारे ने फैले है जो गोड़ गोड़ ने खाने दे घास कौन लगाया ले अरे यू घास क्या होड़ जे कौन कौन चा अच्छा अभी सुखाना मतलब गोड़ कौन तो और घास अच्छा गोड़ कौन हारो घास और ये घासन का बाण काम ये तो फुंडे आना जी जब बरका पानी बस वो अच्छा बस गालन फुंडे रुड़े आओ अच्छा हां मतलब जब आग उग लगे जब घास नहीं रहे मतलब अच्छा जब घास नहीं रहे तो वे टाइम देना काम आ चलो बढ़िया और बाकी सब बढ़िया सब बढ़िया। और ताई जी यहाँ पे हमारे लिए ला रही है ककड़ी आजकल मजा ही हमार ये लाओ दी जरा कानून हम भी देखता घर के कांड वाल का खड़बा डॉक्टर साहब तुम्हारे लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं हर जगह है। ये इन दिखा इधर का खड़ दिखा दे ये तो ले भाई तुम लोग भी खा लो ककड़ी फर्स्ट क्लास घर का खड़ यहाँ पे है हरी हरी कद्दू कद्दू की लगली और यहाँ पे खींचो खींचो सीधे अरे लगो लीन करो हल्को से हूँ ये हमारे जो देख लो कि बढ़िया जो हमारे बिल खेत बोल दीदी ना भार ये दियाल कद्दू चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप कौन। तो घर गांव के लोगों के अंदर इतना प्रेम भाव होता है कि वो बिना मांगे ही ककड़ी गुदड़ी जितनी भी साग सब्जियां होती है जो अपने हाथ में होता है वो बड़े प्यार से हमें भेंट देते हैं और हम भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं ओल्ड पाखरी गांव में ये है खूबसूरत सा गांव। यहां पे है सर्वप्रथम प्रजाति है यहाँ पे डिग्गी पंजेरा पानी जैसे हम बोलते हैं घर गांव में तो कुछ इस प्रकार से डिग्गी है पुरानी है। तो गांव में प्रवेश करते ही कुछ इस प्रकार का मंजर मुझे दिखाई दिया जो पुराने हमारे मकान है कूड़े हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हो गए हैं इस गाँव में। यहाँ पे गाइस देखो बाघ का बच्चा है देखो ये म्याऊ कर दे म्याऊ कर दे। यहाँ पे रहा खूबसूरत सा घर और यहाँ पे रह गई दीदी दीदी नमस्कार पहले तो मैं तुम उड़के बोलूं पे रिश्तेदार लगो ला तो रिश्तेदार लग भाभी बोल दो उनकी हाँ वो भाभी जो है हमारे हाँ तो हमारे सास है
अच्छा तो ये यहाँ पे मिल चुकी है सासू जी। और ये जो गांव है आपको बता दूं कि ये मेरी भाभी का मायका है, यानी मेरा भी ससुराल हुआ है प्रगट जी। तो सासू जी प्रणाम, ससुराल आप। तो क्या नाम है आप? मेरा नाम इंदु देवी। इंदु देवी अग्नि लगा दस माणा। दस माणा जी, इंदु दस माणा। तो ये हमारे दस माणा जी। और तो के कहना छो आप लोग? लग ला तो तुम्हारे एक बीच जाओ यहाँ जी सुधा का पर सर तो आप तो इन खाली में जरा कुटाई फरा छो ना। हाँ बस सही। अब लहसुन लगनी छे। अच्छा और कितना आलू लगना छे ना? बस आलू लहसुन लगना छे। अब वैसे पहले के लेबे? पहले से मुंगरी छे, मरचा छे। अच्छा तो मुंगरी ठीक ठाक हुई? हां तो भैया मुंगरी तो जदी अगर सुंगर नहीं खालत। अब बांदर? बांदर तो नहीं छे। बांदर बिल्कुल ना। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात। बांदर नहीं छे, बस सुंगर काखड़ मोर सब कुछ छे। हां बतौर बतौर बोल देना। हां बतौर। हां बतौर वो सब कुछ छे। अच्छा आप मायका का छे? मेरा मायका इने बसूर। बस और बोले तो उना बेटे खंतवाल छो? ना ना ककतवान। ककतवान छो? अच्छा ककतवान जी उना बेटे मैद बेटे ककतवान जी या कागन दस। चढ़ा सुनो तो आलू। हां हां सुनो बढ़िया। तो यो चुल्लो तुम्हारे जो ऑर्गेनिक चुल्लो लगा चा यहाँ बना छे तो खाना? हां खाना बना दो ना। चलो तो जैसे घर गांव के लोग होते हैं तो वो इस प्रकार से कुछ कच्चा चूल्हा जो सर्दियों में बहुत कारगर होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। गर्मियों में तो लोग कम बनाते हैं इसमें, लेकिन सर्दियों में इसमें दोनों चीजें हो जाती है। एक तो आप ठंड से बच जाते हैं, दूसरा स्वादिष्ट चूल्हे की जो रोटियां होती है वो मिल जाती है। तो क्या क्या बन दो? बड्डो में बन दो कि बड्डो में? बड्डो पता नहीं कहा गए। लापता होगी? लापता घर नहीं देखी ना यह खा तो मुद्दी है ही नहीं चाहिए। बड्डो कौन सी? तुम्हारे छा जा बड्डो। हाँ तुम्हारे दाल भी बड्डो में बढ़ दे। कई बार तुम्हारे ब्याह में गई छो ना तो बढ़ेगी। अब तक के बड़े भी चल दो ना। हमारे तो रिश्तेदारी लंबी थे ना। तो ठीक है। आता बग देख मैंने तो एक दिन पहले की चढ़ो बड्डू मीन वाली का बन दाल बल अगले सुबह मतलब जन आज रात चढ़ा दे सुबह दिन हम खाना खून दाल तो फर्स्ट क्लास दाल मजा आएगा। मतलब दाल बहुत अच्छी उनसे पहली। अच्छा तो और आप अगर घर को बाकी वगैरह बच्चे वगैरह? मेरी दो लड़की थी। अच्छा एक की शादी हुई है फरवरी में। अच्छा और एक अभी पढ़ने। चलो बढ़िया। और बाकी घर तो सब बढ़िया? सब ठीक। गांव में दिक्कत क्या चीज अच्छे रोड अच्छे या रोड अच्छे? रोड मतलब आई नहीं रोड आई पर वो तो आई नहीं की विधायक से विधायक नहीं दूसरा आई तभी मतलब पक्कीकरण नहीं हुआ मतलब ही नहीं पक्कीकरण तो कहीं अर्जी उर्जी दिया चाहिए कुछ अर्जी लोग देना चाहिए ना पर का बड़े होने होने नहीं लगी। कितना माओ वाला है? सर्वे हुआ तो कल वाल हमारे पुंगड़ जानो कल वाल हमारे कोड़ जानो तो वो तो आ वो तो गांव वालों गलती ना सभी छुट्टी हो गया तो गांव वालों गलती ना कि पुंगड़ गांव वाले गलती अब देखो जय पुंगड़ वाले तो वे हुन बतेल रोड ना इन तो छनी की पुंगड़ा तो कोई बात नहीं। हां पर अगर ये कोड़ पिछने जानो तो माल तो बुननी पुंछ। हां तो मकान के लिए तो बोले गए ना आदमी मकान हमारे बुननी पुंछ है नी। अच्छा पर इंच की हमारी एक मेन रोड नी कच्ची रोड तो छे छे मतलब कच्ची रोड तो इंच की तो तब तो बाजार वगैरह कक जंदो ज्यादातर सतपुली की पाड़ से सतपुली भी ज्यादा पाड़ से ज्यादा उन मेन सतपुली। अच्छा मेन सतपुली मेन सतपुली। चलो और गांव में कितना मोह वाला लगभग? सात आठ मोह थे जी। चलो आज मैंने माल जरा ससुराल घूम के आया ना बहुत अच्छा घर ससुराल तो दौर के आण चढ़ हम देता भी तो पता तो नहीं वैसे ससुराल के आज छे हैं आण किले ब्लॉगर मतलब बहुत कम लोग पहुंच दी ना। हां एक ब्लॉगर नहीं आंदा यख नहीं है ना अभी तक नहीं है। देख ला हम इन जगह चल दो जग साल उम्मीद नहीं रहा कोई नहीं जान। चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम प्रणाम। के नाम भाई? नाम नाम तो कुछ है बोलिए। बांगट बड़े छो में ससुराल से में आ रहा ससुराल से। हाँ दीपक को तुम्हारी दीपा हाँ सब बढ़िया। तुम एन बताओ तुम नाम तो बताओ पहले क्या नाम ने आज कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा एन बताओ कि उम्र कद उम्र में पहुंच गयो तुम? नहीं पता बड़ सौ 80-85 नहीं पता तुम दे। बाकी गांव की तरह इस गांव में भी कुछ भूले बिसरे जो मकान है वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ घर इस तरह से खंडवार हो चुके हैं यानी जो जर्जर स्थिति में हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार पुराने जो हमारी कल्चर थी सभ्यता थी वो चीजें लुप्त हो रही हैं और इस तरह से घास वगैरह लोगों ने रखा हुआ है क्योंकि यहाँ करेंगे भी क्या कि यहाँ पे घास रखने के अलावा कुछ है ही नहीं क्योंकि सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो इस घर की आपको मैं दिखाता हूँ डेकोरेशन कि मतलब क्यों ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है और क्यों ये खास है।
तो ये रहा वो वाला मकान जब मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर। तो जो ये आपको पत्थरों का दिख रहा होगा जो डिजाइन करके काटा हुआ है, इसे बोलते हैं हम तिवारी या छज्जा। ये हुआ कुछ इस प्रकार से। और जो नक्काशी है, देखिए नक्काशी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही पुरानी कलाकृतियां हैं उत्तराखंड की, कुछ इस प्रकार से देखिए। कई वर्षों पुरानी लकड़ी, इमारती लकड़ी जो होती है जिसे हम बलिंडा बोलते हैं, बुलिंडा बोलते हैं, तो ये देखिए आज भी इतना भार सहने के बाद ये अब जाके क्षतिग्रस्त हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग इस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दे गया, तो इस कारण ये पूरा झुकझुकाव इसका ऐसा हो गया है। और मुझे तो इस तरह के घर बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए लिपाई जो होती थी पुराने ज़माने में, ये मिट्टी की होती थी, और जो दरवाजे होते थे वो इस प्रकार से होते थे देखिए। और इसे बोला जाता था आला, जहाँ की जैसे दिवाली के टाइम पे जैसे दिए वगैरह जला दिए, कैंडल जला दी पुराने समय में, या इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे ताला चाबी यहाँ पे रखा करते थे, या कोई अन्य सामग्री हो तो उसे यहाँ पे रखा जाता था। इसे बोलते हैं हमारे उत्तराखंड के कल्चर में आला। तो पूरे गाँव का 360 व्यू आपको हल्का समय दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार है। अब मैं पाखरी गाँव के उस छोर पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पे लास्ट ये गांव लास्ट अंत होता है। तो ये कुछ मकान ये हैं, इतने बड़े बड़े और खूबसूरत भव्य मकान देखिए, और कुछ मकान इधर की तरफ भी हैं। तो मैं सब पाखरी वालों से या जितने भी पलायन करके जा चुके हैं, मैं हर जगह पहुंच के वीडियो बनाता हूं। कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, तो नेगेटिव वालों को तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट वालों के लिए मेरा ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मतलब अभी अभी रिसेंटली, चाहे मेरे वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से हो, चाहे अपने माध्यम से हो, लोगों ने अपने घर में आके यहाँ उत्तराखंड में अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो इसी वजह से हम लोग मेहनत करते हैं ताकि आप अपने घर को देखो और उसकी हालत को देखो, उसके बाद अगर आपके पास पैसा है तो। बहुत सारे लोगों ने मतलब, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह की वीडियोज़ देख के मतलब अपने घर बनाए, और घर में आते भी हैं पूजन में या शादी में, तो अपना घर एक होना ही चाहिए, क्योंकि जिन मूल जड़ों से हम यहाँ से निकले हैं, यहाँ से मलिया हैं, हमारे बाप दादा परदादा जो भी हों, जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने यहीं से पढ़ा। आज की डेट में सिर्फ एक बहाना हो गया है कि पढ़ाई लिखाई ये सुलाना फलाना। एक IAS भी मतलब जो है उत्तराखंड से निकलता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी ज़रूरी है, या मतलब अन्य ऐसी चीज़ें जो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपने आपको दिखाओ, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मूल आपका यही है, तो मूल को नहीं भूलना चाहिए। अगर मूल को भूल गए तो आप सब कुछ भूल गए, इसका मतलब है ना। तो कुछ लोगों में मेरी बात थोड़ा सा हर्ट हुई होंगी और कुछ लोगों के दिमाग में घर कर गई होगी। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि अपने जो गढ़वाल हैं, जो छोड़ रहे हैं, अब कहीं पे मतलब अन्य बाहरी जाति के लोग आ जाते हैं, या जैसे नेपाली भाई बंधु हैं वो लोग यहाँ पे रैन बसेरा कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में उत्तराखंड को कहीं अंधकार की ओर ले जा रही हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपका छोटा भाई हूँ, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ़ करना, बट जो सच्चाई है मैं उसको सबके सामने बोलता हूँ, और इसीलिए मुझे लोग सभी लोग प्यार भी करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने घर बनाया, स्पेशली उनके यहाँ मैं व्लॉग बनाने भी जाता हूँ कि जिन्होंने घर बनाया। कि मुझे बुलाते लोग कि भाई मीना पड़े में इतना साल पड़े भैर छाए, मिका की भैर छाए, आज मीना पड़े घर बनाया। तो बहुत अच्छे लोग की मतलब हमारे घर गाँव जो परिस्थिति है ना, दाना सहना छी ना, मतलब बहुत ही लोग मिल दी ना कि दिल मतलब थोड़ा सी बन भजान। और ये गाँव है कन भी, जबकि आप लोगों से बता दें कि हमारे भाभी जी छिन वो कि मायका छः, लेकिन ये हालत जो थी म्यार ससुराल से, तो हालत ये हो कि बिल्कुल वन छ मतलब क्रिटिकल, 6-7 माओ छिन वहाँ बैठे भी एक आधे लोग मिलिन, और कुछ गाँव का हिस्सा इना तरफ चार, कुछ गाँव हिस्सा जो पलतरा मीना आते पहले दिखा, यानी जो हिस्सा मैंने पहले दिखाया और जो हिस्सा मैंने यहाँ पे दिखाया, तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। वहाँ पे ये था कि लोग बाग थे, यहाँ पे थोड़ा कम लोग बाग हैं। घर बहुत सारे हैं, मकान बहुत सारे हैं, और खूबसूरत और प्यारे प्यारे इस गाँव में मकान हैं, लेकिन सब लोग कर चुके पलायन। और कुछ मुझे लग रहा है कि जो न्यू पाखरी है नीचे मेटाकुंड के बगल में, कुछ लोगों ने वहाँ घर कर लिए हैं। तो सभी लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग थोड़े यहाँ भी मेंटेन करें, तो कुछ क्योंकि यहाँ रोड साइड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चोरी चकारी पॉल्यूशन वगैरह, लेकिन यहाँ पे बहुत आनंद है। मैं आया, दुख इस बात का हुआ कि यहाँ लोग नहीं मिले और घरों में मतलब सन्नाटा छाया होता,
लेकिन जो यहाँ का मौसम है, क्लाइमेट है, जैसे साग सब्जी है, बहुत अच्छी जगह है। अगर यहाँ पे दोबारा से लोग आएँ, ये इसे रिनोवेट कर लें या यहाँ पे पहाड़ी होमस्टे टाइप का खोल लें, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रोज़गार भी उत्पन्न होगा, गांव का नाम रोशन भी होगा और सब लोग खुश भी रहेंगे। तो चलिए इसी गांव की सरहद पर मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय अपनी कमेंट में ज़रूर दें। तब तक आपका छोटा भाई नितेश काला आपसे लेता है इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।